कर रहे हैं कि आदमी का माइंड कंफ्यूज रहता है तो उसमें फियर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस. फियर इन इट एंड दैट फियर. व्हाट इज फियर? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज फियर? व्हाई फियर अराइजेस? फियर अराइजेस. ओके, दिस इज देयर देयर कैन बी सो मेनी आंसर्स टू दिस. हां, जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूं एक ही आंसर है. फियर अराइजेस. व्हाट इफ दिस हैपेंस? व्हाट इफ कल क्या होगा जी? कल क्या होगा जी? आपके पास का आंसर किसी के पास है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा? किसी के पास आंसर है? किसी आज तक कोई बता पाए नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी अंदाजन बता दे. सो इन अदर वर्ड्स, योर थॉट, आपकी जो थॉट है वो नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा इसके बारे में वो नहीं जान सकता. थॉट कैनॉट नो. हेलो सर. सर सारा फियर जो होता है वो क्या फैक्ट बेस्ड होता है? नहीं, ठीक उल्टा बोलो. अभी तक हमने क्या बोला? फियर इज बेस्ड. फियर कैन नेवर बी बेस्ड ऑन फैक्ट. फैक्ट आपको कभी नहीं डराता है. एक बॉम्ब गिर रहा है तो मैं खड़े होकर देख रहा हूँ कि गिरा गिर रहा क्या है, मैं मर रहा है मर गया. लेकिन फियर इज अ रिएक्शन. Fear is a reaction to what is happening, what might happen in your mind, depending on your conditioning. आपके पास क्या knowledge भरा हुआ है? आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है? आप किस culture से आए? By the way, ये सांप का जो fear है, भैया जो नहीं सुन रहे जरा please सुनो. बातें करना है, सब लोग साथ lunch करना है. Oh, तो फिर lunch करो. मतलब खाना आपको ज्यादा प्यारा है ना कि देखो भाई, आई डोंट प्रिपेयर अ लेक्चर व्हेन कम. आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड. ओके, एनीवे, इफ यू वांट, ऑल ऑफ यू वांट टू एंड इट, वी कैन एंड इट इन 5 मिनट्स. लेट मी जस्ट समराइज. सो फियर कम्स नॉट फ्रॉम फैक्ट्स बट फ्रॉम सम आइडिया अबाउट अ फैक्ट विच इज इमेजिनेशन. दिस इज अ बैड बॉटल. This is a good thing. This is a very bad thing. This is very bad is an idea. That bad thing, se hum dar rahe. This is a dangerous thing. This, I don't know. It, you know, or I can lose all my money if I put my money in shares. Aur aapne mere sare paise share mein laga diye. Ore yaar, wo uska heart attack hoke mar gaya. Aur aaj pata chala uske paise nahi, uske dost ke paise lage hue the. Aise pata hai, bahut sare cases mein life mein ये आदमी मर गया फियर के मारे. वो बोल रहा है फियर के साथ जीना चाहिए, ठीक है, और वो एक्चुअली कुछ ऐसा था ही नहीं. और आपको एक चीज बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे एंड दे वर फाइटिंग इन इस असम और उधर के फॉरेस्ट में, बर्मा के फॉरेस्ट में, तो बर्मा के फॉरेस्ट में स्नेक्स भरे हुए थे. तो वहां पर क्या हो रहा था? हर दिन 10-15-20 सोल्जर्स मर जा रहे थे स्नेक बाइट से. ये सुनने वाला किस्सा एक्चुअल हुआ था. तो उन्होंने देखा कि यार इसको पॉइजन हो गया होगा, काट लिया मर गया. किसी को उसमें 95% को किसी को पॉइजन था ही नहीं, दर्द से मर गए थे. भाई साहब, दर्द से मर गए थे. आप सुन रहे हो? आप मेरे ख्याल से कुछ और देख रहे हो. आप सुन रहे हो इसको? ये डर क्या कितनी खतरनाक चीज होती है, ठीक है? और डर से उसको स्नेक काट रहा है और वो उसको स्नेक का कोई पॉइजन नहीं है, कुछ नहीं. तो उन लोगों ने क्या किया, वहां जितने स्नेक्स हैं सब ला के एक आदमी ने कटा कटा के दिखाया. देखो मतलब इसमें, और बाय द वे इट इज ट्रू दैट ओनली 2-5% स्नेक्स आर पॉइजनस एंड इन दैट प्रॉब्ली ओनली 1% कैन किल मैन. कितना कम हो गया, 100 में 5 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है? और वो भी यदि उनका डस आप डसना सही लगे. नॉर्मली हमारा पैर ऐसे होता है, ऐसे डसते, तो उनका जो टीथ है ना ऊपर की तरफ होता है, यहाँ इसको यहाँ अंदर घुसने की ऐसे डसना है, ऐसे खार डसता है यार, ऐसे डसते. तो उनका भी पॉइजन का थोड़ा हिस्सा ही जाता है आपके अंदर, ठीक है? उसके बाद जैसे उन्होंने एजुकेट कर दिया,
death rate fell by 95%. They were education, right education, or unka death or fear, your connection. So therefore, anyway, I think this is a very vast topic, but whatever. One thing you have to understand, that the root of fear, okay, is this mistaken idea, I, me, mine. जिस दिन आपके अंदर, जब आप छोटे बच्चे होते हो, ये आई नी माइन आपके अंदर होते ही नहीं, ये आपको सिखाया जाता है, गुड बॉय, तुमने ये लो, वेरी गुड बॉय, चॉकलेट लो, उसको, और फिर वो उसको एक्टिव करने लगता है कि मैंने ये किया, लोग तालियां बजाए, मुझे वाह करें, ये नहीं करेंगे जी, उसके मतलब मैंने जो किया लोगों को अच्छा नहीं होगा उसका डिप। तो हम लोग जिसको सक्सेस बोलते हैं या जिसको बोलते हैं कि आपका हजार लोगों ने पिक्चर हमारी हिट हो गई है बोलते हैं क्या वही वही है क्या पिक्चर बनाई है और वो पिक्चर देख क्या बेकार टाइम पास हो गया ये हो गया वो हो गया मेरा टाइम वो वेस्ट हो गया और पिक्चर नहीं चली ओ यार मैं फ्लॉप हो गया ठीक है तो दिस आई मी एंड माइन इज फंडामेंटली कॉल्ड सेंस ऑफ ईगो ओके और ये सेंस ऑफ ईगो से हम अपनी जिंदगी का करियर काम जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि बहुत डर जरूरी होता है बिना डर के कुछ होते ही नहीं है सब कर रहे हैं इन दिस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड और उसमें क्या होगा हम अपने को आपसे अलग मानते हैं तो हमारी क्या सोच होगी ये फूल है सबको एक एक खाने लगे मुझे जबकि मुझे कोई मैं सुनने भी नहीं वाला इसका कुछ करने भी नहीं वाला मुझे ओ जीस ओ सब फूल बने सर उसके बाद देखिए कितने फूल है ओ देखा भी नहीं सब इकट्ठा ही कर रहा है कर के रख दे रहा है साड़ा रहा है और वो एक बच्चा है एक फूल है वो सुनता है वो दूसरे को दे देता है फिर उसको दे देता है उसके बाद चला जाता है मेरा एक दोस्त है उसको यदि कोई फूल दे तो अपने पास वो मैक्सिमम एक या डेढ़ दिन रखता है बोलता है यार इतने सुंदर फूल है दूसरे को दे देते वो भी बता ले लेगा ठीक है तो और जिंदगी में आप याद रखिएगा जब भी आपको जिंदगी में इंजॉय करना है आप कुछ भी बन जाओ प्राइम मिनिस्टर बन जाओ दुनिया के कुछ भी बन जाओ आपको और लोग चाहिए इंजॉय करने के लिए कभी भी आप देखो ठीक है तो जब हमको हमारी खुशी जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है और तो हमारे ऊपर क्या डिपेंड है हमारे ऊपर हमारा डर हमारे ऊपर हमारी रॉन्ग थिंकिंग हमारी कंफ्यूज्ड एक्शंस और इससे कॉम्प्लिकेटेड साइकी साइकी कॉम्प्लिकेट हो गया है अब जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो आप एक चीज से प्यार भी कर सकते हो डर भी सकते हो जैसे बीवी क्योंकि 99% आप आदमी से पूछो तो वो बोलेगा ओ माय भाई अरे भाई वीडियो कॉल आ गया बीवी से बहुत डरता हूँ एक मजाक बन भी गया इसमें कुछ सच्चाई भी है तो जब आप किसी चीज से प्यार भी कर रहे हो मुझे ये बात करनी भी है बात सुननी भी है और नहीं भी सुननी है मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ यार मैं अपना दिमाग से चलाता हूँ अपनी जिंदगी अपने आप चलाता हूँ तो ये अंदर क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट तो कंफ्यूज जहां पे दो आइडिया होंगे वो आइडिया एक दूसरे से क्या करेंगे लड़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या करेगा टेंशन क्रिएट करेगा टेंशन क्या क्रिएट करेगा स्ट्रेस हार्ट डिजीज जो आपने स्ट्रेस के बारे में सुना है ठीक है तो एनीवे नाउ वी आर आई एम गोइंग टू रैप अप दिस आई वांट टू स्पीक मोर अबाउट कंफ्यूजन बट नो प्रॉब्लम ओके नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग के रिमेंबर नाउ कि द कंफ्यूजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन आवर ब्रेन इज इन अस इन आवर बॉडी द टेंशन इज इन आवर बॉडी ओके नाउ कैन यू पे अटेंशन कंप्लीटली टू योर ब्रेन एंड माइंड फॉर वन मिनट जस्ट पे अटेंशन कंप्लीट आपका पैर हाथ रीढ़ की हड्डी दोनों कंधे हाथ नेक सर जस्ट कुछ बिना कुछ किए जस्ट अटेंटिव पे अटेंशन जैसे आप एक अपने को अपने ही रोशनी में देख रहे हो
Just be aware. कोई भी उसमें कोशिश नहीं होना चाहिए. कोशिश जो है वो थॉट करता है. हम थॉट माइंड जो भी हमारा जैसा भी है उसको हम वैसे ही बिना कुछ किए जस्ट देख रहे जस्ट अवे. एक सेकंड आग बंद कर लिया आपने. सीधे बैठिए स्ट्रेट बैठिए. हाँ आपका जस्ट सिट स्ट्रेट रिलैक्स एंड बी अवेयर ऑफ योर बॉडी. स्लोली ओपन योर आइज एंड जस्ट फील मैं अंदर बाहर के प्रति जागृत हूं कि नहीं हूं. यदि आप हो तो आप देखो कि इस अवेयरनेस में कोई कंफ्यूजन है. अब हिलना बंद कर दीजिए. इन लोगों का आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो. आपने ध्यान दिया अंदर. अब आप देखो वॉच आप खोलो धीरे से आप खोलो तो आप ये देखोगे ये कितनी सुपर सी चीज है कि जब हम अटेंटिव होते हैं पूरे अटेंटिव देयर इज नो कंफ्यूजन. नाउ व्हेन यू लिव इन दिस अटेंशन मोमेंट टू मोमेंट दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. So we are going to do that meditation in the evening. We will do, okay? But we have come to this point that there is confusion. We are confused. Our minds are confused on anything outside. So we have to look where to solve the problem. Where the problem is. The problem is I, me, mine. My thinking. My thinking which is separative. Oh ji, main Sikh hu. Oh ji, main Sardar hu. Oh ji, main Punjabi hu. Oh ji, main ye hu. जी मैं मुसलमान हूं जी मैं हिंदू हूं जी मैं ये हूं. हम लोग ये क्यों बोलते हैं यार. जब तक तुम कुछ भी बनोगे तुम कंफ्यूज रहोगे. क्यों तुम बन नहीं रहे हो. तुमको लग रहा है तुम बन रहे हो. तुम यदि बोलोगे मैं लड़की हूं वो भी कंफ्यूजन है. तुम्हारा बॉडी कहीं नहीं बोलता है मैं लड़की हूं लड़का हूं ऐसा कुछ नहीं. हाँ कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज योर जेंडर आप बोलो फीमेल. कोई टेक्निकल पॉइंट है. मैं लड़की हूं अपने को देखते हो. और जब आप ध्यान से कोई चीज देखोगे ना ये कंफ्यूजन नहीं. जब आप आधे ध्यान से देखते हो मतलब सोचते हो. सोचना जो है इट इज पार्शियल अटेंशन. सोचना ही थॉट इटसेल्फ इज पार्शियल. इट्स नॉट अ होल एक्टिविटी. थॉट मतलब किसी चीज के बारे में. वो चीज नहीं होता है. ये बॉटल के बारे में सर वो बॉटल में छोटा ये आप सामने देखो एक बार में दिखता है. आप इतने सारे वर्ड्स क्यों यूज करते हैं क्योंकि वो उसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता. इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं. आप समझ रहे हैं जो लैंग्वेज है वो एक डेड चीज है. लाइफ अलाइव है. लाइफ है इंस्टेंट है. इंस्टेंट अभी दिख रहा है मुझे सब ठीक है. और डिस्क्रिप्शन वो जी एक हॉल है उसमें एक आदमी बैठा हुआ है उसमें सामने वाले लोग ऐसे हैं पीछे वाले ऐसे जबकि मुझे एक क्षण दिख रहा है. तो सीइंग एंड लिसनिंग इज द टू एक्ट्स ऑफ अटेंशन. और दुनिया में कोई ना सुन रहा है ना देख रहा है. जब छोटे आप थे ना जब आप देखते हो सुनते थे आपने भी बच्चे को देखा अपने घर में वो ऐसे करके देखता ऐसे करके वो देख रहा है सोच नहीं रहा है देख रहा है. सो आपको हर चीज क्या करना है देखना है सुनना है. ये बात
अभी भी करते हो आप, लेकिन अभी क्या करते हो आप, हार्डली देखते हो, हार्डली सुनते हो, जहां कुछ देखा उसके बारे में सोचने लगते हो, ओ ये भूल, ओ जी वो जी रहा, ओ ये ऐसा है ऐसा है। अरे भाई तुम ठीक से देख रहे हो यार, एक मिनट लगेगा देखने में, इतना टाइम देखिए सर, मैंने सब देख लिया। जबकि कोई चीज आपने एक बार देख ली तो आप दोबारा देख रहे हो तो वो चीज नहीं, वो बदल गई। इसको ज़ेन में बोलते हैं, यू कांट सी अ रिवर ट्वाइस। एक नदी को आप दो बार देख सकते हो, वो बह गई तो तुमने देखी थी। ऐसी ये दुनिया बह रही है, सब कुछ बह रहा है, हम भी बह रहे हैं। एक कितने से थे, देखो कितने बड़े हो गए, फिर ऐसे हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, फिर मट्टी हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे। आप थोड़ा फास्ट में देखो तो मेयर ऑल्सो बड़े हुए जुड़े हुए, सब बह रहा है। एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स। You can pay attention to that flux. Attention is the only thing. जो आप ध्यान दे रहे हो कोई चीज नहीं है, ध्यान वो आपको ये दिखाएगी, अरे सब कुछ बदल रहा है। और इट इज इन दैट कंप्लीट चेंज ऑफ योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दैट, देर इज फ्लो इन दैट, देर इज नो फोर्सिंग इन दैट, देर इज नो फियर इन दैट, यू विल ऑटोमेटिकली नो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है। ऑटोमेटिकली यू विल स्पीक ऑटोमेटिकली, मैं कुछ कभी सोचता नहीं हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, अपने आप आता है आता है आता है आता है। लेकिन मेरे अंदर शेयर आ जाए, अरे पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वो आधे घंटे में बोला, नहीं मैं तो इसलिए मैं बाहर ज्यादा स्पीच भी नहीं देता हूँ, ये फर्स्ट माय फर्स्ट टॉक। क्यों? वो आपको टाइम से मानते हैं। मेरे लाइट हाउस में आओ, हो सकता है हम 3 दिन बैठ के बात करते हैं, और हो सकता है हम कभी 10 दिन तक आपसे बात ही ना करें। ये पवन को मैंने ध्यान सिखाया, इससे पूछो मैंने इससे बात भी नहीं की, मेडिटेशन को उतार दिया बात भी नहीं की। तो आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू टॉक, बट इट इज अ प्रिलिमिनरी थिंग। जैसे होता है ना केक बनाने के पहले आप सामान इकट्ठा कर रहे हो, इट इज नॉट द केक, द केक इज मेडिटेशन। इन मेडिटेशन आपका अटेंशन जो है इट एक्ट्स, अटेंशन मींस दैट व्हिच एक्ट्स, जो एक्शन करता है। कहां एक्शन करता है? आपके ब्रेन में, आपके अंदर जो एक्शन करता है, क्या रिलीज करता है? आपकी नॉट्स, आपकी कंफ्यूजन, आपका फियर, आपका एंगर, आपका ग्रीड। आपने जो अलग अलग एसोसिएशन कर लिए है, अपने जो आप जुड़ गए हो और आपने एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लिया है जिसको आप अपनी पर्सनालिटी बोलते हो, उसको वो रिलीज कर देता है। एंड यू बिकम फ्री फ्रॉम अ बैकग्राउंड, यू बिकम फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग, एंड देन यू आर द यूनिवर्स। यू आर ऑलरेडी राइट नाउ यू आर द यूनिवर्स, बट आपके थॉट्स ने इतना आपको सेपरेट कर लिया है, आप ये आइडिया लग रहा है आई एम द यूनिवर्स, एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। और आपके जो आइडियाज है वो फैक्ट है। मैरिज कितना बड़ा हमने सोसाइटी में इसको बताया, इट इज सच एन इडियोटिक आइडिया। नॉट स्टेइंग विद अ वुमन इज नॉट इडियोटिक, इट इज नेचुरल। शादी, ओ जी डिवोर्स, ओ ये, ओ वो, ओ लड़ाई, ओ झगड़ा, ओ ये, ओ मेरी ये बीबी नहीं है, ओ आप जैसे प्यार करते हो नहीं करते हो, आप दूसरे को क्यों देख रहे हो, क्या यार, वी जस्ट लैक राइट एजुकेशन, वी जस्ट लैक इंटेलिजेंस। तो यदि आप सोसाइटी की बातें मानते हो जैसे वो सर बोल रहे हैं कि ऐसा फियर चाहिए, ये चाहिए, ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये सोसाइटी के बातों को पकड़ के सच मान रहा है, और सोसाइटी में कहीं कोई सच नहीं है, सिर्फ एक चीज है, एक्सप्लॉयटेशन और यूज। बस, और उसको आप तरीके से कर लो तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे, और थोड़ा रफली करो तो क्रिमिनल कहलाओगे, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जितनी चालाकी से आप बदमाशी कर लोगे उतने आपको बड़े बड़े पद भी मिल जाएंगे, और जब आप सामने कर दोगे तो आपको जूता मारा जाएगा, लात मारा जाएगा, और जेल में आपको बोला जाएगा चोर है बदमाश, सब वही कर रहे हैं। यदि आपको वो जिंदगी जीनी हो जो सबसे अलग हो, जिसमें कोई दाग ना हो, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, आपको अंदर उतरना पड़ेगा, और अपने ही लाइट से अपने को फाड़ देना पड़ेगा,
अपनी कंडीशनिंग को जला देना पड़ेगा। योगी जो है वो यज्ञ का जो आग होता है बाहर नहीं जलाता है जैसे साधु लोग जलाते हैं ना, वो अपने अंदर जलाता है। मेरे अंदर 30 साल से जल रही है। If you don't have this fire, if you don't have this fire, you will not have the guts to revolt and stand alone. See the word, the last word is, यदि आप अकेले नहीं खड़े हो सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं, आपको सच्चाई नहीं छोड़ो, सत्य छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा ना, और मिलेगा भी इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज़ आप कंफ्यूज हो। आज आपको लग रहा है जो चीज बहुत यूजफुल, कल जब आपको वो मिल जाएगा आप बोलेंगे अरे ये ऐसा है, ज्यादा बदलू आती है, ये मैं ढूंढ रहा था, शादी इतना ग्रेट इतना वो, और ऐसी होती है, इसका ऐसे भी होता है, ये भी होता है। हम लोग कोई चीज को जिसको ग्लैमराइज करते हैं ना, ये फैट, ये जैसे स्टार बनना, ये बनना, मुझे हंसी आती है ये सब चीजों पे। मैं बचपन से जानता था दुनिया का सबसे इंसान जो है वो स्टार है, और मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं स्टार हूं, और ना मैं कभी एक्सेप्ट करता हूं आप मेरे फैन हो। ठीक है साहब, आपने मेरी पिक्चर देखी अच्छी लगी, कोई बात नहीं, अब खराब भी लग सकती है। हमने मुझे बताया कि हमने अपने दिल और जान से पिक्चर को बनाई है, दिल और जान से हमने काम किया है। आप मुझे वो हम लोग को देख के खुद ही समझ जाते हैं कि हमने किस लेवल का काम किया। ठीक है, नहीं जी मेरे बहुत फैंस हैं, ये जो आप दूसरे के सहारे अपना सक्सेस फेलियर ये सब कर रहे हो, दीज आर ऑल डेंजरस गेम्स यू आर प्लेइंग, एंड यू आर गोइंग टू लूज, यू आर गोइंग टू गेट हर्ट, यू आर गोइंग टू गेट डिप्रेस्ड, यू आर गोइंग टू बिकम इल सिक, देन यू विल ड्रिंक टेक ड्रग्स ओके एंड बिकम वायलेंट एंड स्टार्ट जो अपनी जिंदगी का आपका अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना अपने बच्चों पे निकाल दिया। तू ये बच्चा तो क्यों मेरे मेरे बिना वाक्य से चलेगी, ऐसा क्या लड़कियों को दबाओगे, जिसको कमजोर को आप दबाओगे, जो स्ट्रांग है उसे तो जी नमस्ते तो मार देगा। ठीक है, आप और डिसऑर्डर क्रिएट करोगे। ये पूरी सोसाइटी जो है इसका एक सिंपल वर्ड में डिस्क्रिप्शन आप देख लें, इट्स अ ग्रेट डिसऑर्डर because our minds are disordered and the way to change the society is to take the first step to change yourself, and after you change yourself you can share that experience, share that truth, share that energy with the rest of the world, and you will find many who will join you, many. Thank you. Now, I would sincerely request our faculty member, Mr. Ajay sir, to present memento to respected S.D. Banerjee sir. ठीक है,
जिसको वो मेडिटेशन सच में जीना है, जिसको अपने पाप का थेरेपी करना है, जिसको वन ऑन वन स्ट्रगल करना है, एंड इट्स हार्ड वर्क, इट्स गोइंग टू टेक 20 15 30 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क. आपको कुछ नहीं करना है. एक बार आप कनेक्टेड हो गए, जहां आप बैठे बैठे ये कहा गया अपना पवन, इसको क्या होती, इसको काम करना, ठीक है. और हो सकता है because of this clarity of mind you will become a great leader in life, do great things which you can never do otherwise with a confused mind. But you will have to pay the price. You will have to pay the price. The price is you will have to go through an intense energy operation. Okay? So जब आप लोग छुट्टियां मनाएंगे आप ध्यान रखो. लोग पार्टी में जाएंगे आप लोग भाई मेरी पार्टी चालू है. आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इसमें आप आपको लगता है कि नहीं मैं तैयार नहीं हूँ तो बाद में करना चाहूंगी, मत करो. आप 5 आदमी आओगे, 2 आदमी आओगे, वही लोग आए जो सिंसियरली उनका हार्ट माइंड बोला यस आई विल टेक दिस जर्नी, वही लोग ज्यादा लोग नहीं. दिस इज नॉट दैट मेडिटेशन जो लोग करते हैं ना, ये राय नहीं है, रिलीज है.